सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल विराट स्टडी पॉइंट्स को तथा साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को भी अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विराट और आप देख रहे हैं विराट स्टडी पॉइंट्स। आज की इस वीडियो में हम 11 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब के विषय में चर्चा करेंगे तथा उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे तथा लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किन दो देशों ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन का उद्घाटन किया, आप सबको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत तथा नेपाल। जी हाँ भाइयों, अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा नेपाल के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ने संयुक्त रूप से मोतिहारी जो कि बिहार में स्थित है तथा अमलेखगंज जो कि नेपाल में स्थित है, इन दोनों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद की पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। आप सबको बता दें यह 69 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन परियोजना है तथा यह भारत की पहला ट्रांसनेशनल पाइपलाइन की फार्म है। इस पाइपलाइन से नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों की सुगमता, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल आपूर्ति सुनिश्चित होगी तथा यह भारत तथा नेपाल के बीच में हुई है। तो नेपाल के कैपिटल क्या है? तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। तथा नेपाल के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो नेपाल के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। तथा नेपाल के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर इनके हमने अभी अभी जिक्र की वो कौन है? तो वो है केपी शर्मा जी। नेपाल की करेंसी क्या है? तो नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। तो इस क्वेश्चन से आप सबको इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए चलते चलते आप सबको बता दें, यदि वीडियो यूजफुल हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को भी अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले पहुंचे। तो आप सबको बता दें मैं विराट डेली मॉर्निंग में 5:30 पर करंट जीके की रेगुलर क्लास के साथ उपस्थित होता हूं, जिसमें मैं ऐसे 50 से 60 करंट तथा स्टैटिक जीके के पार्ट्स क्लियर करता हूं जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ भारत का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया, आप सबको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून। जी हाँ भाइयों, अभी हाल ही में देहरादून में भारत के पहले हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया। आप सबको बता दें भारतीय वायुसेना को राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा निकासी में इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर की भूमिका पर वार्ता करने के लिए शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों को। तथा इसे किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो प्रेजेंट टाइम के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है इंडिया के? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। जी हाँ भाइयों, हरदीप सिंह पुरी प्रेजेंट टाइम के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं इंडिया के तथा ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड के विषय में आप सबको बताते हैं, ये है मैप में उत्तराखंड, आप सब उत्तराखंड को मैप में देख सकते हैं। तो इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है देहरादून। तथा इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। तथा यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ इसके विषय में, ये सब आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के R&D अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है, आप सबको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजीव कुमार। जी हाँ भाइयों, अभी हाल ही में राजीव कुमार जी को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के R&D अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है, आप सबको बता दें। यही है राजीव कुमार जी और इन्हें अभी हाल ही में R&D के इंडिया माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के MD नियुक्त किए गए हैं, आप सबको बता दें। माइक्रोसॉफ्ट ने राजीव कुमार जी को माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है, आप सबको बता दें। प्रेजेंट टाइम में ये क्या थे? तो ये प्रेजेंट टाइम में माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपीरियंस और डिवाइस अर्थात E+D कुछ होता है उस समूह के कॉरपोरेटर उपाध्यक्ष थे। तथा आप सबको बता दें इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के R&D के अध्यक्ष कौन थे जिस पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनिल भंसाली। जी हाँ भाइयों, अनिल भंसाली इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के R&D के प्रेजेंट अध्यक्ष थे, उन्हें हटा के इन्हें बनाया गया है प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के विषय में आप सबको कुछ बताते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में की गई थी। तथा यह एक इंटरनेट सॉफ्टवेयर कंपनी है तथा इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। तथा इसके प्रेजेंट टाइम के
जो CEO हैं वो हैं सत्या नडेला जो कि एक भारतीय हैं। तो इस क्वेश्चन से आप सबको इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में CRPD पर संयुक्त राष्ट्र के 22वें समिति सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है आप सबको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेनेवा में। जी हाँ भाई, अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में CRPD पर संयुक्त राष्ट्र के 22वें समिति के सत्र का आयोजन किया गया। आप सबको बता दें, ये आप सबके माइंड में ये CRPD क्लिक कर रहा होगा कि ये CRPD क्या होता है। तो ये यूनाइटेड नेशन के तरफ से है। तो आप सबको UN CRPD की फुल फॉर्म बताते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। फिर से एक बार सुनिएगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप सबको बता दें, जेनेवा में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारियों के कन्वेंशन पर यूनाइटेड नेशन का 22वां सत्र आयोजित किया गया है। तो CRPD इम्पॉर्टेंट है। CRPD का फुल फॉर्म मैंने आप सबको इस वीडियो में पहले ही अवगत करा दिया है। तो इसका इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2006 से शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत की गई थी 2006 से। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधितों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है आप सबको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा RBI। जी हाँ भाइयों, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दृष्टिबाधितों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आप सबको बता दें, RBI ने दृष्टिबाधितों को मुद्रा नोटों आदि की पहचान के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। आप सबको बता दें, इसके तहत जैसे ही मुद्रा उस एप्लीकेशन से स्कैन कराने पर उसकी छवि को यह ऐप कैप्चर कर लेगा तथा ध्वनि के माध्यम से उसकी पुष्टि करेगा, अर्थात उस मुद्रा की पुष्टि करेगा ध्वनि के माध्यम से। तो ये RBI ने लॉन्च किया है। तो RBI के विषय में आप सबको कुछ बताते हैं, RBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। तथा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। तथा इसके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। तथा ये किस नंबर के गवर्नर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो शक्तिकांत दास जी RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो इस क्वेश्चन से आप सबको इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इटालियन ग्रां प्री किसने जीती है आप सबको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स लेक्लेरर। जी हाँ भाई, अभी हाल में ही में चार्ल्स लेक्लेरर ने इटालियन ग्रां प्री जीत ली है। आप सबको बता दें, ये किस कंपनी के ड्राइवर थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फरारी कंपनी के ड्राइवर थे। तथा इस प्रतियोगिता में, अर्थात इस ग्रां प्री में, वाल्टेरी बोटास सेकंड स्थान पर आए हैं तथा लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं, तो ये थर्ड स्थान पर आए हैं इस प्रतियोगिता में। आप सबको बता दें, यह ग्रां प्री इटली के ऑटोड्रोमा नाजियोनेल मांजा ट्रैक पर आयोजित किया गया तथा इसे चार्ल्स लेक्लेरर जी ने जीत लिया। यही है चार्ल्स लेक्लेरर जी, और इन्होंने अभी हाल ही में इटालियन ग्रां प्री जीत लिया। ये फरारी कंपनी के ड्राइवर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला फन जोन कहाँ स्थापित किया गया है आप सबको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। जी हाँ भाइयों, अभी हाल ही में विशाखापट्टनम के रेलवे स्टेशन पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। तथा आप सबको बता दें, यह इस तरह का भारत का पहला फन जोन है जिसे विशाखापट्टनम के रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया। तथा आप सबको बता दें, विशाखापट्टनम के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक गेमिंग जोन की भी लॉन्चिंग की गई है। तथा आप सबको बता दें, इसमें बच्चों को ट्रेन की प्रतीक्षा के दौरान खेल का आनंद भी ले सकेंगे। इस गेमिंग जोन में बच्चों तथा वयस्कों के लिए अलग अलग खेलों के दिलचस्प इसमें समाहित हैं इस गेमिंग जोन में। तो यह इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया। तो इंडियन रेलवे के प्रेजेंट टाइम के भारत के रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल। जी हाँ भाइयों, पीयूष गोयल प्रेजेंट टाइम के इंडिया के रेल मंत्री हैं। तथा प्रेजेंट टाइम स्वतंत्र भारत के सबसे पहले रेल मंत्री कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। जी हाँ भाइयों, जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। तो इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया। तो आंध्र प्रदेश इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो आंध्र प्रदेश को मैप में देख ले रहे हैं, यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आप सब आंध्र प्रदेश को मैप में देख सकते हैं। तो इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है अमरावती। तथा इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू। तथा यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं नरसिम्हा लक्ष्मी नरसिम्हन। जी हाँ भाइयों, तथा ये आंध्र प्रदेश के विषय में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसे आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है आप सबको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। जी हाँ भाई, अभी हाल ही में जस्टिस विक्रमनाथ को
गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सबको बता दें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी जो कि प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इन्होंने जस्टिस विक्रमनाथ को गुजरात हाईकोर्ट का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तथा आप सबको बता दें जस्टिस विक्रमनाथ अभी कहाँ कार्यरत थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जस्टिस विक्रमनाथ अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे तथा जिन्हें अब गुजरात हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया तो गुजरात के विषय में आप सबको कुछ बताते हैं। तथा उससे पहले यही है विक्रमनाथ जी, इनके फोटो आप देख लीजिए जिससे पहचान में आ जाए, इन्हें ही अभी हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तथा ये एरिया है मैप में गुजरात, आप सब गुजरात को मैप में देख सकते हैं। तो इसके कैपिटल कहाँ है, तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर। तथा इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी। तथा यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य देवव्रत, यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। तथा यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है भाइयों, तो यहाँ की पॉपुलेशन है 6,03,83,628 जो कि इंडिया की 9वें नंबर की पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा राज्य है। तथा यहाँ की बेस्ट लैंग्वेज है गुजराती। तथा यहाँ की लिटरेसी रेट जो है वो है 79.3 जो कि 12वें नंबर की इंडिया की लिटरेसी रेट वाइज इंडिया का सबसे बड़ा राज्य। तो इस क्वेश्चन से आप सबको इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी अभी किस बैंक ने आधार सक्षम भुगतान सेवाओं की शुरुआत की है, आप सबको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा IPPB ने। जी हाँ भाइयों, अभी हाल ही में IPPB ने आधार सक्षम भुगतान सेवाओं की शुरुआत की है। आप सबको बता दें इस कार्यक्रम के तहत आधार से जुड़े बैंक खाते वाला कोई भी व्यक्ति अपनी बैंक के खाते की कोई भी सामान्य बैंकिंग सेवाएं जैसे नगद निकासी तथा बैलेंस इंक्वायरी इत्यादि का लाभ वह अपने आधार कार्ड के जरिए ले सकता है। तो ये IPPB बैंक ने लॉन्च किया है इसे। तो IPPB बैंक के विषय में आप सबको कुछ बताते हैं। तो सर्वप्रथम IPPB बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। जी हाँ भाइयों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। तथा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को। तथा इसके प्रेजेंट टाइम के प्रबंध निदेशक एंड CEO कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुरेश सेठी। जी हाँ भाइयों, सुरेश सेठी इसके प्रेजेंट टाइम के प्रबंध निदेशक एंड CEO हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फॉर्च्यून टर्नर द क्वार्टेट डेट स्पून इंडिया टू ग्लोरी नामक पुस्तक लॉन्च की गई है, तो इसे किसने लिखा यह इम्पोर्टेंट है। तो आप सबको बताना है इसका जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदित्य भूषण। जी हाँ भाइयों, अभी हाल ही में आदित्य भूषण जी ने फॉर्च्यून टर्नर द क्वार्टेट डेट स्पून इंडिया टू ग्लोरी जिसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया, तो इसे आदित्य भूषण जी ने लिखा है। आप सबको बता दें यह पुस्तक भारत की स्पिन चौकड़ी पर आधारित है। तथा यह पुस्तक खासकर भारत के चार स्पिन किंवदंतियों बिशप सिंह बेदी, इरापल्ली प्रसन्ना, भगवत चंद्रशेखर और एस वेंकट राघवन पर आधारित है यह पुस्तक जिसका भी हाल ही में विमोचन किया गया, तो इसे आदित्य भूषण जी ने लिखा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में देना था। तो काफ़ी बच्चों ने काफ़ी खूबसूरत जवाब दिया, काफ़ी विस्तार से दिया, तो उस क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हाल ही में ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, इसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप टीम। जी हाँ भाइयों, अभी हाल ही में इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप टीम को ऑस्कर ऑफ साइंस का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप सबको बता दें इस टीम में 347 साइंटिस्ट प्रेजेंट टाइम में शामिल हैं। तथा यह पुरस्कार जो है या इन्हें पहले ब्लैक होल, विश्व की पहली ब्लैक होल की तस्वीर लेने के लिए फंडामेंटल फिजिक्स के ब्रेक थ्रू पुरस्कार जिसका नाम ऑस्कर ऑफ साइंस है उससे सम्मानित किया गया है। यह विश्व के पहले ब्लैक होल की तस्वीर तथा यह कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह ब्लैक होल मेसियर 87 जिसे M87 भी कहते हैं, M87 आकाशगंगा में सफ़ेद गर्म प्लाज्मा के एक ज्वाला नारंगी प्रभा मंडल से घिरा हुआ यह ब्लैक होल। तथा इस पुरस्कार के तहत दिया क्या जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस पुरस्कार के तहत एक सर्टिफिकेट, एक सीड तथा $3 मिलियन की नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इसी तरह विस्तार से इस क्वेश्चन का जवाब लिखिए कमेंट बॉक्स में। वो क्या होता है ना, जो आप लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते, इसलिए किसी भी क्वेश्चन का जवाब लिखना हो तो उसे काफ़ी विस्तार से लिखा कीजिए। हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट टीम के किस तेज गेंदबाज ने
तीनों फॉर्मेट में 100 प्लस विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से शुरू हो जाइए तथा काफ़ी विस्तार से लिखिए, श्रीलंका के विषय में भी लिखिए, श्रीलंका के विषय में कैपिटल करेंसी वगैरह वगैरह जो भी होता है सब श्रीलंका के विषय में लिखिए तथा इस गेंदबाज के विषय में लिखिए तथा एक और रिकॉर्ड इस गेंदबाज के नेम इन्हें अभी नया बनाया है तो उसके रिकॉर्ड के बारे में लिखिए काफ़ी विस्तार से। तो इसी के साथ चलते हैं, चलते चलते आप सबको बता दें यदि वीडियो यूजफुल हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को भी अवश्य प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे डेली अपडेट जो होता है 5:30 पर उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तथा आप सबको बता दें यदि वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर कीजिए जिससे लोगों का भी फायदा हो सके। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो इसे लोगों को फ़ायदा मिले भाई। तथा एक लाइक तथा एक शेयर अवश्य क्या कीजिए। तथा आप सबको बता दें यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे निरंतर इसी तरह हार्ड वर्क करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, सिया हैव अ गुड डे, बाय बाय।